चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां खटकड़ ने दिया बड़ा बयान, कहा वीरेंद्र सिंह के राजनीति के 50 साल उचाणा के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इलाके के विकास की लड़ाई लड़ रहे उचाणा विकास संघर्ष समिति के प्रधान अनुराग खटकड़ ने कहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के राजनीति के 50 साल के दौरान उचाणा हल्का पिछड़ेपन से बाहर निकल नहीं पा रहा है, जिसके लिए भी पूरी तरह से जिम्मेवार है। खटकड़ ने कहा कि 50 साल में उचाणा में बस स्टैंड नहीं, पार्क नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, युवाओं के लिए कोई कोचिंग संस्थान नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, खिलाड़ियों के लिए कोई स्टेडियम नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई गाँव का विकास नहीं, कोई स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद भी लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। खटकड़ ने कहा कि वीरेंद्र सिंह को चाहिए कि वो जनसभा कर उचाणा के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी लेकर लोगों से माफी मांगे और राजनीति को परिवार समेत छोड़ने का काम करें। अनुराग ने कहा कि हल्के के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, की सोच की केवल खुद के परिवार का विकास ही उचाणा। आज 750 किसानों की शहादत के बावजूद उनके बेटे सांसद भाजपा के सांसद पद से चिपके बैठे हैं, जिसे प्रतीत होता नीतियों में किसानों से कोई लेना देना नहीं है। खटकड़ ने कहा कि अगर वीरेंद्र सिंह ने हल्के का विकास किया होता तो आज बाहरी लोग उचाणा में आकर अपने पैर नहीं जमाते। खटकड़ ने कहा कि उचाणा का युवा जागरूक हो चुका है, अब ऐसे नेताओं के पोल खोलने का काम करेंगे, अब ऐसे नेताओं की दाल भविष्य में नहीं गलने देंगे। उचाणा विकास संघर्ष समिति सरकार की पोल खोल अभियान आधा समय पूरा होने होते ही शुरू करेगा और गाँव गाँव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। खटकड़ ने कहा कि उचाणा की जनता के वोट लेकर यहां से चुने हुए नेता दिल्ली और चंडीगढ़ पहुंचकर लोगों को भूल जाते हैं, जिसका आने वाले समय में हिसाब लिया जाएगा। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।